नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डीएसटी ब्लॉकर और किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं आपके बालों के पतलापन को कम करने के लिए, उनका झड़ना को रोकने के लिए। साथ के साथ ही मैं एक ऐसा डीएसटी ब्लॉकर से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो मैंने पास में इस्तेमाल करा था एंड आई रियली गॉट गुड रिजल्ट। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सेसा के डीएसटी ब्लॉकर के बारे में। हम जानेंगे इस फ्रॉम डोजेज किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, बेनिफिट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब आपको लेना है और आपको कितना टाइम लगेगा इसके विजिबल रिजल्ट्स को देखने में, और क्या खास बनाता है इस ब्लॉकर को बाकी के डीएसटी ब्लॉकर जो आते हैं मार्केट में, सारी चीजों को कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वो बेल आइकन को दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स रोल आउट द वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाट इज डीएचटी और किस तरह से आपकी बॉडी में बनता है। डीएसटी स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में वैसे तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसे डीएसटी में तब्दील करने के लिए, व्हिच इज कॉल्ड 5-alpha reductase। आई रिपीट इट अगेन, 5-alpha reductase इज द डिसाइडिंग एंजाइम जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में तब्दील करता है। अब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में डीएसटी यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है तो आपके ब्लड लाइन के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, वो आपके पपायला यानी कि हेयर के फॉलिकल्स पे जाके अटैच हो जाता है। अब जब अटैच हो जाता है ना तो वो उनके ग्रोथ को रोक देता है। सीधी सी बात है, जब भी कोई पोर्स क्लॉक हो जाता है तो आपको पिंपल देखने को मिलता है ना, वैसी सेम चीज़ आपके बालों के साथ भी है। आपके बाल पे जब भी कोई पपायला पे कोई चीज़ अटक जाएगी या फिर उसे ग्रो होने नहीं देगी तो क्या होगा, आपके जो बाल है वो पतले हो जाएंगे, आपके बालों का जो झड़ना है वो शुरू हो जाएगा। और कई सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि भैया हमारा रिसीडिंग हेयर लाइन है या फिर हमारा यहाँ से क्राउन सेक्शन से हमारे बाल जा रहे हैं, क्या करें हम। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ, एड अ डीएसटी ब्लॉकर और इम्प्रूव योर डाइट, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपको कोई और सॉल्यूशन मैं बताऊं तो इट्स मेडिकेशन। जी हाँ, सिर्फ दो मेडिकेशन आती हैं आपके 5-alpha reductase को इनहिबिट करने के लिए, विच इज कॉल्ड मिनोक्सिडिल विच इज एफडी अप्रूव्ड एंड अनदर वन इज फिनेस्ट्राइड विच इज ऑल्सो एफडी अप्रूव्ड। बट द थिंग इज बहुत सारे लोग उन्हें लेना नहीं चाहते बिकॉज एफडी अप्रूव्ड होने के कारण फिनेस्ट्राइड के अपने एक साइड इफेक्ट है। अनदर थिंग इज व्हाट कैन यू डू, वेल यू कैन गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सीक अ ट्रीटमेंट। नंबर 2, इंप्रूव योर डाइट। नंबर 3, गो फॉर अ बेटर सप्लीमेंट। यहीं पे आते हैं हमारे सप्लीमेंटेशन, आपकी डाइट एंड आपके सप्लीमेंटेशन, बूम इनको ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, वरना तो आपको मेडिकेशन पे जाना ही पड़ेगा। सो द चॉइस इज योर्स। शुरुआत करते हैं हम सेसा के डीएसटी ब्लॉकर से। ऑलराइट, आइए। तो दोस्तों ये है सेसा का डीएसटी ब्लॉकर जो 649 rupees की 60 कैप्सूल्स आपको ऑन Amazon देखने को मिलती है। व्हेन आई यूज दिस फॉर माय हेयर की क्वालिटी, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं बहुत सारे क्रीम्स, लोशंस, या जो कॉलेज में होता ना बंदा तो बहुत सारे हेयर स्टाइल्स भी ट्राई करता है, तो आई वाज यूजिंग ऑल दोस प्रोडक्ट्स जो कि आपके बालों को खतरनाक तरीके से खराब करते हैं। सो मैंने पर्टिकुलरली अपने डीएसटी को सही करने के लिए नहीं लिया था ये प्रोडक्ट, बट हाँ बिकॉज ऑफ इट्स बायोटिन एंड बिकॉज इट हैज अ स्टेबिलिटरी इफेक्ट ऑन माय हेयर, तो आपके जो हेयर की जो क्वालिटी है वो आपको रिटेन होती हुई दिखेगी वेदर और नॉट आपका जो डीएसटी है वो बढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, इट्स अ वेरी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। जरूरी नहीं है कि आप उसे पर्टिकुलर एक चीज के लिए ले, हो सकता है कि आपको दूसरी चीज हो रही हो तो आप इसे उस चीज के लिए भी ले सकते हैं, एंड द गुड पार्ट इज कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या पढ़ा हुआ है इस पे पर्टिकुलर डीएसटी ब्लॉकर्स के रूप में। सबसे पहली चीज आपको पंपकिन सीड्स देखने को मिलेगा, उनका एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा, एंड इट्स बीन प्रूवन कि पंपकिन सीड्स जो है ना वो स्टिमुलेशन का काम करते हैं, मतलब आपके बालों की जो ग्रोथ है उसे स्टिमुलेट करते हैं, इनकेस यू डोंट नो। सेकेंड चीज, ये आपके डीएसटी को इनहिबिट करते हैं। कैसे? ये 5-alpha reductase को इनहिबिट करते हैं जिसके कारण आपका जो हेयर रिग्रो होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ इसमें आपको स्टिंगिंग नेटल लीव्स देखने को मिलेंगे विच इज फाउंड इन अमेरिकन साउथर्न अमेरिका की तरफ पाया जाता है। ये प्लांट छोटा प्लांट होता है और इसी के साथ ही ये भी आपके डीएसटी को ब्लॉक करने में काम करता है। इसमें एक और कमाल की चीज देखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स एज इन प्रूवन जो कि एक ग्रेट सोर्स है आपका ओमेगा 3 का, और मैं हमेशा इस चैनल में बोलता हूँ कि ओमेगा 3 एज इन प्रूवन कि जो आपकी स्किन और हेयर इन दोनों की क्वालिटी को ना रिटेन करने की क्षमता रखते हैं, और बहुत कम लोग आई गेस मेरी बात मानते हैं, और सिर्फ पुताई पे लगे रहते हैं अपने क्रीम के थ्रू, वो चाहते हैं सिर्फ क्रीम से उनको वो ग्लो मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव इज कॉल्ड अगस्त, जिसे हम सस्पेनिया गैटी के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर आपने कोलेजन बिल्डर में देखा होगा, कोलेजन पेप्टाइड्स में भी कुछ हद तक पड़ा हुआ आता है, डीएसटी ब्लॉकर्स में भी डालती कंपनी, एंड इसी के साथ ही ये बायोटिन एक्सट्रैक्ट में भी काम आता है बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर केराटिन का प्रोडक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं केराटिनाइड से बनता है केराटिन, और जब केराटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपके स्कैल्प के थ्रू तो वहाँ पर आपका जो बाल है वापस से उगना शुरू हो जाते हैं। हालांकि 100% रिजल्ट आपको कभी भी किसी भी सप्लीमेंटेशन के साथ देखने को नहीं मिलता, सो डोंट एक्सपेक्ट अ मिरेकल कि आप बिल्कुल गंजे तो एकदम से सर पे बाल आ जाएंगे। इफ़ यू आर समवन जो बिल्कुल गंजा है तो आपको तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का भी शुरुआत है तो डेफिनेटली आपको एक रिडक्शन देखने को मिलेगा आपके हेयर फॉल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या खास बनाता है इस पर्टिकुलर डीएसटी ब्लॉकर को बाकी के डीएसटी ब्लॉकर्स जो मार्केट में आता है। सबसे पहली चीज़ आयुष सर्टिफाइड है, मेरे को लगता नहीं कि बाकी के जो डीएसटी
ब्लॉकर हैं वो आयुष सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। आयुषो एंड जीएमपी सर्टिफिकेशन तो हर के पास होता ही है, लेकिन आयुष सर्टिफिकेशन आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास जल्दी से आ सकता है। ऑलराइट, इसकी सबसे अच्छी चीज ये भी है कि साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात उठती है साइड इफेक्ट्स की, तो मैं बता देता हूँ। जनरली डीएसटी ब्लॉकर से कई बार मुझे लड़के पूछते हैं कि भैया हमें साइड इफेक्ट्स हमारी फर्टिलिटी रेट में देखने को मिलेगा या हमारा लो लिबिडो हो जाएगा। ब्रो, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। सेम गोज विद दिस वन। हाँ, ये जरूर हो सकता है कभी कभी आपको लेथार्जिकनेस लगे, और हो सकता है कि कभी कभी आपको नौजिया या हेडेक की प्रॉब्लम हो, वो भी तब जब आपकी जो डोज है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रहती है। ठीक है, इसी के साथ ही बात कर लेते हैं डोजेज की, कि कितनी डोज आपको लेनी है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस सप्लीमेंट की बात करूं तो इसमें आपको दो पिल्स लेनी है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग। ब्रेकफास्ट के बाद आप एक पिल ले सकते हैं, और आपको रात में सोने से पहले अपने खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद आपको एक पिल कंज्यूम करनी है एंड यू गुड टू गो। रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे? रिजल्ट्स देखिए तो 8 से 12 वीक्स मान के चलिए, और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो और धीरे काम करते हैं, तो 12 वीक्स तो मान के ही चलिए आप। एंड इसी के साथ ही आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हाँ भैया हमने इस ऐसा का ले लिया डीएसटी ब्लॉकर अब सब कुछ काम यही कर देगा। नहीं ब्रो, आपको खुद से भी कुछ काम करने पड़ेंगे। द काम नंबर वन इज यू हैव टू इंप्रूव योर लाइफ स्टाइल, द क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज एंड द क्वालिटी ऑफ योर न्यूट्रिशन एंड द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। ये तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हद तक स्टिमुलेशन पर काम होता है। स्टिमुलेशन मतलब आपके जो हेयर फॉलिकल है स्टिमुलेट करना शुरू कर देंगे, और जब वो स्टिमुलेट करते हैं जनरली देखा गया है कि हेयर फॉल कम होता है, नॉट रुक जाता है बट कम जरूर होता है। और इसी के साथ ही आप इसे अपने डाइट में एड ऑन कर सकते हैं, एंड आयुर्वेदिक तरीके से बिना किसी फिनिस्ट्राइड या मिनोक्सिडिल के ऊपर जाए अपने हेयर को कुछ हद तक बचा सकते हैं। लेकिन रिमेंबर कि अगर आपका जो हेयर फॉल है बहुत ज्यादा हो रहा है, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ मेडिकेशन इन योर सिस्टम। ठीक है, या डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको दिखाना ही होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा यार, ये घोर पाप है। डू जॉइन द कम्युनिटी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।